राशि नंबर की द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए गुणनफल इतना और इतना में x का पावर 5 का गुणांक ज्ञात कीजिए। x का पावर 5 का हमें गुणांक निकालना है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि x का पावर 5 का इसमें गुणांक क्या होगा। तो एक काम करते हैं हम लोग ना, इसमें एक काम करते हैं, यहाँ पर दोनों को अलग अलग पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए 1 + 2x का पावर 6 दिया है, क्या आ जाएगा 6c0 वन का पावर, आपको पता है। ऐसे एक और फार्मूला जानते हैं आप, उसी को लगाओ ना। मैं इसको ना लगा के एक फार्मूला आपको सिखा देता हूँ, ऐसे तो आपको पता है 1 + x का पावर n का 1 + nc1x nc2x2, ऐसे ही डॉट 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 कहाँ तक चल जाता है ncn x का पावर n तक। तो मैं इसी को नहीं लगा दूँ 1 + 2x का पावर 6 बराबर में 1 + ये ना होगा 1 + 6 है ना 6c1 2x + 6c2 2x का स्क्वायर + 6c3 2x का क्यूब + 6c4 2x का पावर 4 6c5 2x का पावर 5 6c6 2x का पावर 6। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यह 1, अच्छा 6c1 का वैल्यू 6 ही होगा और इनटू में आपका 2x है, प्लस 6c2 के वैल्यू की बात करें तो 6c2 का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, तो 6c2 का वैल्यू हो जाएगा 15 और ये आ जाएगा आपका 4x स्क्वायर। 6c2 का वैल्यू 15 आ जाएगा आपका। अच्छा अब 6c3 है तो 6c3 का वैल्यू होगा 20। 6c3 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा तो 20 इंटू में 8x³ प्लस 6c4 का वैल्यू आपका आ जाएगा 15 और ये हो जाएगा 16x का पावर 4 प्लस 6c5 का वैल्यू 6 और ये हो जाएगा 32x का पावर 5। 6c6 का वैल्यू हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 का पावर 6 64x का पावर 6। यानी आ गया 1 + 12x + 60x² + 8 × 16 = 160x³ और प्लस में 16 में 15 से गुना करेंगे ना जी। चलिए तो आपका आ जाएगा 240, 15 में 16 से गुना करेंगे 240x⁴ प्लस 32 में कितना से गुना करना है 6 से ना, तो 32 × 6 कितना होता है 32 × 6 = 192 रह जाएगा 192x⁵ और प्लस 64x⁶। ये आ गया किसका 1 + 2x⁶ का। अभी हमें फिर किसका निकालना है 1 − x⁷ का, 1 − x⁷ का। तो इसका हो जाएगा 1 − 7c1 x + 7c2 x² + 7c3 − 7c3 − 7c3 − 7c4 x⁻⁴ − 7c5 x⁻⁵ + 7c6 x⁻⁷ चलिए तो ये हो जाएगा 1 7c1 का वैल्यू 7, 7c2 के वैल्यू की बात करें तो 7c2 का वैल्यू हो जाएगा आपका 21x² यही ना होगा आपका। 7c3 के वैल्यू की बात करें तो आ जाएगा आपका 35x³ प्लस 7c4 की बात करें तो आपका इसका भी आ जाएगा आपका 5 × 7 = 35 ही आएगा 35x⁴। 7c5 की बात करें तो उसका 21 आ जाएगा 21x⁵। 7c6 की बात करें तो 7 आ जाएगा x⁶। 7c7 की 1 तो बच जाएगा x⁷। चलिए अब हमें किसका निकालना है x⁵ का गुणांक ना। चलिए तो लिखेंगे किसको किसको गुना करके, तो लिखेंगे 1 + 2x⁶ × 1 − x⁷ में
एक्स का पावर पाँच का गुणांक क्या होगा। चलिए तो इसके बारे में बात करें, एक्स का पावर पाँच की बात करेंगे। देखो यहाँ पे वन है, वन इसमें किससे गुना करेगा तो एक्स का पावर पाँच जाएगा इससे, तो हो जाएगा वन इंटू में माइनस का 21, ठीक है, प्लस आगे चलो एक्स किससे गुना करेगा तो एक्स का पावर चार वाले से गुना करेगा, तो 12 गुना 35 प्लस 60, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यूब वाले से गुना करेगा तो हो जाएगा 60 गुना माइनस का 35, 60 गुना माइनस का 35 प्लस 160 गुना क्यूब वाला किसके साथ गुना करेगा, स्क्वायर वाले के साथ, तभी ना पाँच आएगा 21, फिर प्लस फिर 60 के 160 के बाद 240 है, 240 एक्स का पावर 4 है तो एक्स वाले के साथ गुना करेगा तो एक्स का पावर 5 आ जाएगा माइनस 7 प्लस, अब ये है 192, 192 किससे गुना करेगा तो ये सिर्फ कॉन्स्टेंट इससे गुना करेगा तभी ना आपका एक्स का पावर 5 आएगा गुना में 1, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 21 प्लस का 12 में 35 से गुना कर दो 420, माइनस का इसमें गुना करोगे 60 में माइनस 35 से तो 2100 आ जाएगा, प्लस 160 में 21 से करो तो 3360, माइनस 7 में 240 से करो तो माइनस 1680, अच्छा 192 में 1 से करो तो 192, सभी माइनस वाले को जोड़ दो 21 माइनस 2100 और 1680, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 3801, और प्लस वाले इन तीनों को जोड़ दो तो आ जाएगा 3972, यानी कि 171 घट के आपका आंसर आ जाएगा, एक्स का पावर 5 का गुणांक निकल गया। चलिए अगला